सिवान जिले के बढ़रिया विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक बच्चा जी पांडे ने अपने ऊपर चेक बाउंस व वारंट के कथित आरोपों का खंडन किया है। आज उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि एक ऐसा वारंट जिससे उनका कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ उनके नाम से मिलता जुलता होने के कारण उसे विधायक बच्चा पांडे के नाम से जोड़ करके उसका दुष्प्रचार किया जा रहा है और उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक जी, एक चेक बाउंस का मामला आया था आज से 20-25 दिन पहले और आज मीडिया के सामने आप आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, यह जो है हमें अनर्गल लोकप्रियता को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ मीडिया बंधुओं ने विधायक बच्चा जी पांडे का के न्यूज चलाया। जिन जिन लोगों ने विधायक बच्चा जी पांडे कह के न्यूज चलाए हैं उनके विरोध में कानूनी प्रतिक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी और मानहानि का केस किया जाएगा। परंतु न हमारा वहां पिता का नाम है, न हमारा कोई एड्रेस है, मैं कैसे कहूं कि हमारा चेक है? हम कोई आम व्यक्ति नहीं है कि कहीं छुप जाए, और कोई हमारा नाम पता नहीं जाने, और कोई हमारा पिता का नाम नहीं जाने। कुछ मीडिया बंधु की जो है करतूत है और चंद पैसों के लेकर अपनी जमीन को लोग बेच देता है, ऐसे मीडिया कर्मी को मानहानि का केस मैं अवश्य करूंगा। प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सारे लोगों का जो है स्क्रीन शॉट हम रखे हुए हैं और जल्द से जल्द आप लोग के सामने इसका कानूनी प्रतिक्रिया का संदेश पहुंचेगा। लेकिन 20 दिन बाद आप इस बात का क्या कह रहे हैं? 20 दिन कहा? देखिए, 20 दिन के बाद कुछ हमारी पारिवारिक समस्या है। हमारे चचेरा भाई लखनऊ में भर्ती थे, 2 दिन पहले उनका देहांत हो गया, हम लोग उसी में है, अभी भी हम लोग उसी में है, लेकिन आप लोग के चलते हमको आ जाना पड़ा, नहीं तो हम मीडिया में भी आने का हमको अभी कोई आवश्यकता नहीं था। लेकिन ऐसे लोग जो है लोकप्रियता को भंग करते हैं, इन पर तो कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। FIR का कॉपी भी वायरल हो रहा था जिसमें ये बताया जा रहा था कि देहरादून का जो है कि हाई कोर्ट का ये आदेश है कि जल्द से जल्द बच्चा पांडे को गिरफ्तार करके और मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। ये क्या मामला है, इसके बारे में बताइए आप। तो बच्चा पांडे वो हम ही है, कितने बच्चा पढ़े हैं, कितने 36 पढ़े हैं, कितना शाहदीन साहब है, तो सब शाहदीन साहब हो गया, सब 36 पढ़े हो गया, सब बच्चे पढ़े हो गया। नाम से नाम नहीं जुड़ता है, एक नाम से तो 50 लोग रहता है, लेकिन उनका फुल एड्रेस होना चाहिए ना कि बच्चा पढ़े। हम कोई आम व्यक्ति थोड़े हैं, हमारा कोई नाम लोग नहीं जानता है, कोई एड्रेस नहीं जानता है, कोई पिता का नाम नहीं जानता है, सब जानता है सब। लेकिन यह विरोधियों को षड्यंत्र है कि हमारी लोकप्रियता को भंग करने के लिए और नीचे आम जनता के नजर में नीचे दिखाने के लिए यह करतूत लोग किया है। क्या विरोधियों को क्या फायदा हो सकता है इससे? कौन विरोधी है आपका? जब हम राजनीतिक में है तो बिना विरोधी के राजनीतिक होता नहीं है। कौन है विरोधी जो आपको इतना बदनाम करना चाहता है? देखिए, जो विरोधी है वो तो सामने आपके सामने प्रत्यक्ष आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। अब आज हम आप लोग सामने आए हैं, एक दूर के बाद और सामने आएंगे तो वो आ जाएगा सामने। लेकिन जिस कंपनी का चर्चा हो रहा था उस कंपनी को बताया जा रहा है कि अवधेश पांडे की कंपनी थी, आप लोगों ने उनको मिलकर हटा दिया, फिर कई तरह की बातें सामने आई थी, क्या कहना चाहिए? अरे भैया, हम लोग 2018 में कंपनी से हट गए थे ना, उसमें हम लोग कोई डायरेक्टर है, 19 में लोग केस किया है और 2018 में हम लोग हट गए हैं, तो कहां हम लोग कंपनी के कोई दायित्व है? जो डायरेक्टर है वो दायित्व आप संभाले, तो यानी कि उससे कुछ लेने देना नहीं है? हमको उससे लेना देना क्या है? कंपनी क्या करे न करे, क्या होगा नहीं, वो सब क्या मतलब है? तो क्या उत्तराखंड आप नहीं गए, कोई काम नहीं चलता आपका? मैं तो आपके मीडिया के सामने चैलेंज करता हूँ कि हमारे पास 2 सिम है और 2 नंबर आज भी चालू है, जिसको अगर हमारा चैलेंज स्वीकार है तो वो लिखवा ले कि आज तक हम उत्तराखंड गए नहीं, जब से हमारे पास सिम है तब से कर रहे हैं, हम 18 से नहीं कर रहे हैं, 2007 से हमारा सिम है और 2007 से हम उत्तराखंड आज तक नहीं गए हैं, तो किसी जिला में नहीं गए, उत्तराखंड कहीं उस इलाके में नहीं, किसी उत्तराखंड के जिले में नहीं गए हैं, ये मेरा चैलेंज है। तो आपका सीधा कहना है कि मतलब बच्चा पांडे के नाम से कोई वारंट वायरल हुआ था और उसको सीधे आपसे जोड़ दिया जा रहा है, मतलब विधायक बच्चा पांडे के रूप में मतलब दुष्प्रचार किया गया?
ये तो आपके सामने प्रत्यक्ष न है, हम तो आज तक नोटिसो नहीं देखे हैं, लोग के कहे हुए भी हम सुनते हैं कि उसमें बच्चा पांडे लिखा हुआ है। मतलब तो बच्चा पांडे लिखा हुआ तो कितने बच्चा पांडे हैं? मतलब बच्चा पांडे के नाम से कोई मतलब वारंट वायरल हुआ था, उसका विधायक बच्चा पांडे से कोई संबंध नहीं है आपका? कोई संबंध नहीं है, ए टू जेड कहीं कहीं दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये कुछ मीडिया कर्मी जो किए हैं उन पर मैं मनहानि का केस अवश्य करूंगा। मैंने आपको बदनाम करने की साजिश रखी है तो उनको क्या करना चाहेंगे? देखिए हमारे ऊपर आज तक 107 का केस नहीं हुआ है, हमारे ऊपर आज तक 107 का केस नहीं हुआ है। हम कोई बकरी चुराने वाला इतिहास हमारा नहीं रहा है, अपराध करने वाला इतिहास हमारा नहीं रहा है, डकैती करने वाला इतिहास हमारा नहीं रहा है, अपहरण करने वाला इतिहास हमारा नहीं रहा है, पागलखाना का सर्टिफिकेट लेकर हम नहीं घूम रहे हैं, ना हमारा इतिहास रहा है। जिनको ये सारा इतिहास है वो साधु बन के घूम रहे हैं, इस पर मीडिया बंधु का कोई नजर नहीं जाता है, वो तो साधु हो गए हैं। किनको कह रहे हैं? अरे जो भी है जिसको होगा वो आपके सामने खुद आएंगे, हमको नाम लेने की कोई जरूरत थोड़े है। जिसको या चुभेगा भला जैसा ना सोई जैसा तो खुद आपको मीडिया के सामने आके बोलेंगे। एक शरीफ आदमी को लोकप्रियता को भंग करने के लिए यह साजिश लोग रच रहा है, ये कहीं ना कहीं ये लड़कारा हम खुद दे रहे हैं। हम तो मीडिया में बहुत कम आते हैं ना, लड़कारा हम खुद दे रहे हैं कि 2024 तक ये लड़कारा चलेगा। ये न समझे कि हम बहुत राजनीतिक गण हैं, जहां उनका राजनीतिक एंड होता है ना वहां से मैं राजनीतिक शुरू करता हूं या मीडिया के सामने मैं चैलेंज करता हूं। उस मीडिया बंधु को भी मैं चुनौती स्वीकार करता हूं कि अवश्य उन पर जो है मनहानि का केस करूंगा और उनके प्रति कार्रवाई की जाएगी। आखिर आपको टारगेट क्यों किया जा रहा है? टारगेट तो है ही ना है भैया, राजनीतिक है तो टारगेट है, कैसे भाई ये लोग आगे बढ़ रहा है? 6 विधायक है तो आप ही को क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए जो मजबूत होता है ना उसी का विरोध होता है, बकरी या भेड़ का कोई विरोध करने जाता है क्या? वो लोग हाईलाइटेड होने के लिए हमको नीचे दिखाने के लिए जो है यह साजिश जो रची जा रही है, और उनकी तो बोल ना दिया आपने मीडिया के सामने कि उनका जो हाँ राजनीतिक एंड होता है ना वहां से मैं राजनीतिक शुरू करता हूँ। तो ऐसे लोग जो आपको लगता है कि साजिश कर रहे हैं क्या करें उनके खिलाफ? ऐसे लोगों को 24 के बाद वार्ड का चुनाव नहीं जीतेंगे। 2015 में जो है ना एक बहुत चर्चित लोग थे यहाँ, वो भी हमसे टकरा के देख चुके हैं 2015 में लोकसभा के चुनाव में, आज मुखिया का चुनाव नहीं जीतते हैं, सारा लोग जानता है। मैं खुल को नहीं बोलता हूँ, नाम किसी को नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बुझने वाला बुझ जाएगा और 2024 में आने में उनका रिजल्ट भी सामने दिख जाएगा, और तब हमसे पूछिएगा कि आपने सही बोला। आपका इशारा महागठबंधन और भाजपा की तरफ है क्या? देखिए हमारा इशारा जो भी है हमारा कोई वैसा इशारा नहीं है, लेकिन जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं उनके पास तो इशारा हमारा ही है, वो खुद आप भी समझ रहे हैं, वो भी जब आपके माध्यम से चैनल से जाएगा तो वो भी समझ जाएंगे।